बीबी जंगीर कौर जो मूंह चाया बोली जाती है लोग तो मैं परसनल नहीं जाना चाहता लोग तो सवाल करते हैं कि तुसी रोमां की बेअदबी की तुहाडियां मुच्छां दे उत्ते पूरा पंथ सवाल कर रहा है हाथों जिन्हों के गुटके ने जिन्हों के गुरबाणी है उन्होंने इरादा कतल के परचे तो पुलिस इन्हों की हो गई अणपछाती सानू मानसिक तौर पर टॉर्चर करने के लिए डिस्टर्ब करने लिए घर छापे मारे गए जिन्हों के लिफाफे बीबी जी तुम निकले हो उन्होंने सरकार सी पुलिस ने किसी एक भी डेरा प्रेमी तो सिंपल पुछगिछ भी की हो तुसी जिन्ने मर्जी पापड़ वेल लो जो मर्जी कर लो सारी संगत सब कुछ जानती है कि तुसी की कर रहे हो बादलों नूं बचाउण लई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जंगीर कौर जी ने पिछले दिनी अकाल तख्त साहिब विखे हुई एकत्रता दे दौरान बहुत वड्डे वड्डे झूठ बोले ने असी वो वड्डे झूठां बारे आप जी दे माध्यम राही सारी संगत दे सामने कुछ दसना चाहते हैं और ये नाल नाल शुरुआत विच ही श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जंगीर कौर जी नूं खुला चैलेंज करते हैं कि बेअदबी दे मसले ते ओहो श्री अकाल तख्त साहिब ते जां फिर गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल जां फिर तेजा सिंह समुंदरी हाल इन्हां तिन्नां स्थानां दे विच्चों जिथे भी ठीक समझण जिस दिन ठीक समझण बेअदबी दे मसले ते ओह खुली डिबेट रख लैण पूरा मीडिया सद लैण टाइम भी उन्हां दा इन्हां स्थानां दे उत्ते जदों मर्जी ओह सानूं सद्दा देण असी खुल्लेआम जिहड़ी उत्थे डिबेट करन दे लई तैयार हाँ क्योंकि बीबी जंगीर कौर जी ने एक वड्डा इल्जाम ये लाया कि जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दियां घटना ने उहदे जेड़े असल दोषी ने उन्हें ये लफ्ज़ वरते ने कि माझी साझी जा जेड़ा उस दिन बोलता सी मैं दसना चाहुंदा कि मैं किस दिन बोलता सी जदों 25 जून नूं जौलियां पिंड दे विच बेअदबी का घटनाक्रम वापरिया 29 जून नूं बीबी जंगीर कौर जी जौलियां दे विच आए मैं बहुत रिस्पैक्टफुली उन्हां दा स्वागत भी कीता अते चार सवाल उन्हां नूं पुछे सी चार सवालों का जवाब बीबी जंगीर कौर जी उत्थे ये गल कह के गए वो सारा रिकॉर्ड है बकायदा कि मैं भाई माझी साहब नूं ये जिहड़े सवाल ने इन्हां दे मेरा फर्ज बनता है मैं एक जुम्मेवार अहुदे ते हाँ इन्हां नूं लिखती जवाब भेजांगी वो चार सवाल मैं संखेप रूप च तुहाडे ध्यान च लिया दिना पहला जिहड़ा सवाल सीगा कि बीबी जी देखो तुसी इत्थे आए हो मैं उन्हां नूं कहा कि जिहड़ा बेअदबियां दा जिथों मुढ वजदा है ज्ञानी गुरमुख सिंह जी ने यह कहा सीगा कि सानू बादलों ने अपनी कोठी दे विच सद्या तलब किया जथेदारां नूं अते इह कहा कि सौदा साध नूं माफ़ कर दिओ तां इह ऑन रिकॉर्ड ज्ञानी गुरमुख सिंह जी ने बयान दिता उस तो बाद ज्ञानी गुरमुख सिंह जी नूं दमदमा साहब की जथेदारी तो हटा के धमधान साहब के गुरद्वारा साहब दे विच भेज दिता गया उस तो बाद जदों ज्ञानी गुरमुख सिंह जी अपने विचारां तो मुकरे उन्होंने कहा कि नहीं ये गल नहीं वापरी तो उन्होंने अकाल तख्त साहिब का हैड ग्रंथी बना दिता गया मतलब मैं ये कहना चाहना कि यह जिहड़ा ज्ञानी गुरमुख सिंह ने दो गल्लां कीतियां एक बार तो वह जरूर झूठ बोले ने जे वह एडे झूठे बंदे ने तो उन्होंने अकाल तख्त साहिब की हैड ग्रंथी वर्गी पदवी नाल क्यों नवाजा गया दूजा सवाल सी कि 328 सरूप जिन्हां दी छपाई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध अधीन हुंदी है उत्थों 328 सरूपां दा हिसाब किताब नहीं मिल रहा वह मेमोरेंडम देण वास्ते दसो असी किहदे कोल जाइए तीजा सवाल सी कि जदों बिना मंगिया माफ़ी दित्ती गई जथेदारां वल्लों सौदा साध नूं तां फिर
संगत ने विरोध किया। संगत के विरोध को दबाने लई लगभग 90 लाख रुपए तो वध रुपया जिहड़ा गुरु की गोलक विचों इश्तहारां दे विच दित्ता गया, तां फिर वह जिहड़ी भरपाई है संगत दे पैसे दी गुरु की गोलक दे विचों टका टका इकट्ठा हुंदा, संगतां प्यार विच भिज के भेटा करदियां ने, वह जिहड़ा 90 लाख रुपया उहदी भरपाई श्रोमणी कमेटी कदों अते किसतों कराऊगी। चौथा मेरा जिहड़ा आ सारे मेरे कोल डाकूमेंट ने कि श्रोम जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह दे हस्ताक्षरां दे नाल आ उहदे हस्ताक्षर किए हुए इस पत्र दे उत्ते। एक पत्र दिता गया बंदियां नूं, इह कुछ बंदे मलेरकोटला इलाके दे विचों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 35 सरूप अते 250 तो वध पोथियां चुक के लै गए, तां इह कित्थे ने किवें ने। और बड़ी हैरानगी वाली गल है कि जिहड़ी इह सेवा संभाल करन वाली संस्था सीगी जिहड़े जिन्हां ने इस तरह का ढोंग रचिया कि विरध हो चुके सरूपां दी असीं सेवा करन वाले हाँ, इस संस्था का ना तो कोई बायोडाटा है, ना कोई नाम है, कुछ नहीं है, ये खाली पत्र है। इहदे उत्ते ज्ञानी गुरबचन सिंह ने हस्ताक्षर करके दे दिते कि यह बिरध हो चुके सरूपां नूं तुसीं गोइंदवाल पहुँचाउण दी सेवा कर सकते हो। इहदे आधार दे उत्ते अमरगढ़ दे विच FIR हुई, मेरे को सारा रिकॉर्ड बकायदा पिया, सब कुछ होने के बावजूद भी वो सारा बिच ही मसला रफा दफा कराता भी वह सरूप कित्थे ने की ये तुहाडी जिम्मेवारी नहीं बनती। सो इन सवालों का जवाब लगभग एक महीना हो चुकिया, क्योंकि 29 जून असी सवाल किए थे, 28 जुलाई नू अज आपां ये गल कर रहे हैं, लगभग एक महीना हो चुकिया है। पर इन्हां सवालों का जवाब जिहड़ा संगत विच बीबी जी कह के भी गए थे कि मैं लिखती भेजांगी, लिखती भेजण की थां ते जिहड़ा कोई भी सज्जण बेअदबी के मसले ते गल करदा है उन्हां दे उत्ते ये इल्जाम लाउणे। और मैं ये भी दसना चाहुंदा कि बादल क्या ने यह पहली बार नहीं किया, पिछले समयां दे दौरान भी 2015 दे विच भी तुसीं वेखो कि जदों 24-25 सितंबर की रात को आ विवादित पोस्टर लगे सीगे जेड़े बुरज जवाहर सिंह वाला ते बरगाड़ी दे विच लाए गए, इत्थे बकायदा जो कुछ लिखिया सी अपमानजनक शब्द लिखे ने, मैं अपनी जवान तो पढ़ना भी ठीक नहीं समझदा, पर उपर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लिखिया होया, जिथों बड़ा स्पष्ट हुंदा है कि ये किहड़े डेरे नाल संबंधित बंदे सी। पर मैं पूछना चाहुंदा कि 1 जून तो पहली गल तो 1 जून तो जिहड़ा सी आ वेखो पोस्टर वाली गल पहला कर लिए, 25 सितंबर तो लैके 12 अक्तूबर तक ये 10 दिन बादलकियां दी जदों सरकार है कि पुलिस ने किसी एक भी डेरा प्रेमी तो सिंपल पुछ गिछ भी की हो, टॉर्चर करना बहुत डूंगी छानबीन करनी तो दूर है। 12 अक्तूबर नू अंक खिलारे गए सी, 25 सितंबर तो 12 अक्तूबर तक मैं पूछना चाहना बीबी जंगीर कौर नो कि जिन्हां दे लिफाफे विचों बीबी जी तुसीं निकले हो, उन्हां दी सरकार सीगी सुखवीर उस वक्त गृह मंत्री सी, 17 दिनां दे विच एक भी डेरा प्रेमी तो पुछगिछ क्यों नहीं की गई, की मतलब इन्ना हेज उन्हां दा आ रहा सी। दूजा, इस तो पहला जदों 1 जून नू महाराज का सरूप चोरी होया बुरज जवाहर सिंह वाले तो उस तो बाद पुलिस ने आ स्कैच जारी किया सी 2 मोने मुंडिया का। मैं कहना चाहना 1 जून तो लैके बादलों के राज के अखीर तक किसी एक भी मोने मुंडे नू पुछगिछ शामिल क्यों नहीं किया गया, बल्कि उत्थे साडे गुरसिखां नू बेकसूरां नू फसाउण दा यतन किया गया ते बहुत कुछ इन्हां ने इस तरह सारा किया। इहदे तो अलावा बहुत वड्डियां गल्लां कि उत्थे पुलिस नू इन्नी क खुल जिहड़ी है इन्हां ने दित्ती हुई सीगी कि जिहड़ा SP सीगा बिक्रमजीत उहदी उहने गोली मार के जिहड़ी चरणजीत शर्मा दी जिप्सी है उहनू गोली मारी ता जो ये इस तरह बनाया जाए कि सिखां ने साडे ते हमला किया। वह बकायदा ऑन रिकॉर्ड है अदालतां च बयान पंकज बांसल होर ने, पंकज बांसल जिहड़ा पंकज मोटर का मालिक है, मैनेजर है वह, संदीप कुमार गनमैन है वह, निजी चरणजीत सिंह, इन्होंने बकायदा बयान सारे कुछ दिते हुए हैं।
सो ये सब कुछ इस तरह वापर रहा सी उन्हां समयां दे विच। मैं जंगीर कौर जी नूं पुछदा कि जिहड़ी सौदा साध की फिल्म सीगी ओह उन्हां नूं की पंजाब पुलिस के गनमैन ने सी दित्ते हुए, दूजे पासे जिहड़े मेरे वर्गे प्रचारक दीवान लाउंदे सी कि उन्हां नूं तुहाडी पुलिस धमकियां नहीं सी दे रही, जिहड़ा फरीदकोट इलाके विच वापरिया मचाकी पिंड विच SHO शरेआम कह रहा है कि तू साडे इलाके च वड़ के दिखाई, इस तरह दीआं खुल्लां दित्तियां गईआं सी। ते जे असीं बेअदबी दा रोस जताया 12 अक्तूबर नूं तां 14 अक्तूबर नूं तुसीं वेखो की होया, गोलियां सब कुछ होया बैबल कलां। तो बीबी जंगीर कौर उहदे विच इक गल होर करदे ने बड़े जोर शोर नाल, उह कहिंदे ने गोली दा जिहड़ा केस है उह खत्म हो गया, हाई कोर्ट ने भगा के मारी फाइल कुंवर विजय प्रताप दी। हुण मैनूं इह दसो, इन्ना खुश हो रहे हैं कि गोली कांड का केस खत्म हो गया, पर मैं दसना चाहना बीबी जंगीर कौर जी ये खत्म नहीं होया। कि तुहाडे इस तरह कहण दे नाल साडे ओ दो नौजवान कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह की वह वापस मुड़े आउणगे? बिल्कुल नहीं मुड़ने। वो तो एडा वड्डा घाटा पिया ते गोलियां चलवा के उस तो बाद पुलिस नूं अणपछाती दसो ते तुसी कह दो तां केस ही रद्द हो गया, अज भी उहदी केस की जिहड़ी जांच है वह चलती है। सो इसलिए लोगों की कचहरी दे विच इह जिहड़े ने शरेआम नंगे हो चुके ने। ते मैं आप जी दे माध्यम राही ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नूं भी कहना चाहुंदा कि जदों उन्होंने शुरुआती बयान दिते सी तो उदो पंथ के बहुत वड्डे हिस्से नूं एक भुलेखा पै गया सी कि शायद जथेदार कुछ चंगे फैसले करनगे, पर हुण उह की कर रहे ने, हुण उह अकाल तख्त के जथेदार बन के विचरन की थान ते सिर्फ बादलों का बुलारा बन के विचर रहे ने। और जिहड़े पंथक सफां दे विच बादल का टब्बर जिहड़ा बिल्कुल जीरो हो चुकिया उन्नू दोबारा फिर तो खड़ा करन दे चक्कर च ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, मैं तुहानू गुरु ते भरोसा रख के कहना कि तुसी बादलों नू तां पंथक सफां दे विच दोबारा खड़ा नहीं कर सकते, उन्हां नू खड़े करदे करदे तुसी खुद डिग पैणा है। इसलिए स्वय प्रचोल करो, ईमानदारी अपने अंदर लैके आओ ते असी जिहड़ा बेअदबियां दे मसले दे उत्ते गल करिए सुचजे ढंग नाल गल करिए, गल होनी चाहीदी है, पर इन्ने लंबे टाइम बाद इस तरह यह कर रहे हैं। ते मैं तुहाडा सिर्फ एक गल जरूरी इंपोर्टेंट दसनी चाहुंदा कि जौलियां पिंड दे विच जिहनूं आधार बनाया जा रहा है सुखबीर दे बहुत छोटे चमचे जिन्हों का मैं नाम भी अपनी जबान तो लेना ठीक नहीं समझदा, पहला तो वह जाते अकाल तख्त साहब से, वो जाके कहिंदे आ कि हरजिंदर सिंह माझी समेत कई बंदिया ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की। ग्राउंड की बनाया जा रहा है? मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जो 25 जून में बेअदबी हो गई तो श्रोमणी कमेटी के लोकल मैंबर यकदम उत्थे पिंड वालों नूं नाल लैके फटाफट सरूप लैके चले जाते। असी भवानीगढ़ बैठे सी, भवानीगढ़ बैठ के उत्थे रोस संगत ने जताया कि सरूप इन्नी छेती क्यों, संगत दर्शन करने चाहुंदी आ। यही गल जंगीर कौर ने भी कही, जंगीर कौर कह रही है कि फिर उही बंदे वो गोइंदवाल पहुँच गए, उत्थों कहिंदी वापस सानू लै गए, मतलब किड्डा वड्डा अरदास करके साडे मैंबर चले सीगे। मैं दसना चाहुंदा कि असी पहली गल असी भवानीगढ़ च बैठ के रोस जता रहे सी, जिहड़ी ये अरदास की गल करदे कि असी अरदास करके चले सी, तो मैं कहना चाहुंदा कि अरदास करके जे तुसी चले सी इन्ने अरदास नूं समर्पित सी ते तुसी फिर गोइंदवाल वल जा रहे सी, भवानीगढ़ बंदे बैठते हैं उत्थे बैठे हुए बंदियां दी गल तुहानू इन्नी ज़्यादा मननी पैंदी है कि तुसी खुद अरदास तो तिलक गए। तो दूजी गल ये आपां समझदे हां कि यह चल की रहा इहदे पिछे, दूजी गल जदों साका ननकाणा साहिब वापरिया 1921 दे विच उस समय के दौरान भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल करतार सिंह झब्बर होरी गए सीगे बकायदा जथे लैके जा रहे सी, तो उस वक्त पंथ के आगुआ ने तेजा सिंह समुंदरी मास्टर तारा सिंह जी होरां ने बकायदा स्नेह भेजे सी कि आपां नूं नहीं जाना चाहिए वापस मुड़ो, भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल चले गए सी कि मैं अरदास कर चुके हाँ, तो करतार सिंह झब्बर होरी वापस मुड़े सी। कि उदों पंथ के इन आगुआ ने अरदास की बेअदबी की सी, इन्हों दसना चाहिए बीबी जंगीर कौर होरां नूं। एक उदाहरण मैं ये भी दे दियाँ कि 84 दे विच जदों दरबार साहब जदों अकाल तख्त साहब ढहटेरी होया तां संता सिंह होरां ने सरकारी सरप्रस्ती दे हेठ जदों अकाल तख्त की बिल्डिंग दुबारा बनाई अरदास करके उन्होंने शुरू की सी, पर संगत ने वह प्रवान नहीं किया, बनया हुआ अकाल तख्त की बिल्डिंग सारी ढा के
दोबारा फिर उहदी उसारी संगत दे पैसे नाल करवाई गई तो फिर की उदों अरदास दी बेअदबी हो रही सी। सो इस तरह दियां इह बहुत अत दर्जे दियां नीच गल्लां जिहड़ियां कर रहे ने इह संगत सारा कुछ जाणदी है। बीबी जंगीर कौर जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, तुसी जिन्ने मर्जी पापड़ वेल लो, जो मर्जी कर लो, ये तुहाडी एक भी जिहड़ी चलाकी है वो नहीं चलनी। सारी संगत सब कुछ जानती है कि तुसी की कर रहे हो बादलों बचाने लई। और असी नाल मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अक्सर, क्योंकि अज का विषय ही अपना वह सी कि वड्डा इल्जाम लाया, उन्होंने कहना जे इमानदारी अंदर है तो फटाफट काम कराओ, जिहड़ा दुध दा दुध पानी दा पानी होना चाहिए। यह ना हो कि गोलियां चलवाने वाले तो बेअदबी करने वाले अज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली गल कर रहे हैं, इन्हां दे हौसले इन्ने बुलंद हो रहे हैं। इहदे विच मैं समझदा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी बहुत वड्डी नलैकी है, कमजोरी है कि वह प्रोपर ढंग नाल रहिंदिआं जिहड़ा इहदा काम करवाउण, सारी जाँच पड़ताल करवाउण, नहीं कैप्टन का असर भी जिहड़ा बादलों वर्गा होगा जी। एक इंपॉर्टेंट गल मैं भी दस दिना बाकी तो शाम हो सकती है। इत्थे जिहड़े इन्हां दीआं गदारियां ने नलैकियां ने ये वो लोग ने, श्रोमणी कमेटी साड़ी सुरमौर संस्था शहीदा ने अपना खून डोल के होंद विच लियांदी सीगी, पर उत्थे इहो जिहे नलायक पैदा हो गए गुरु सर दे विच जिन्हां ने बेअदबी करन दे दोषां दा सामना कर रहे ने, जतिंदर वीर जिम्मी ते कुलदीप प्रेमी, डेरा प्रेमी ने। वो जदों वह वापस मुड़िया सिंगापुर तो उन्हों रैसट किया गया एयरपोर्ट तो, वीर हरजीत सिंह ढपाली होरां ने उदों लौंगोवाल नूं टैलीफोन किया कि जिहड़े बेअदबी करन वाले डेरा प्रेमी ने उन्हां नूं तुसीं भगता भाईका दे विच दुकान नंबर 61 ते दुकान नंबर 80 दीप गारमेंट्स और जिहड़ा सीगा जतिंद्रा टैलीकॉम, ये ना ते दो दुकानां जिहड़ियां चल रहियां ने वह आम डेरा प्रेमी नहीं, बेअदबी के दोषों का सामना करने वाले डेरा प्रेमियों दियां ने। तो लौंगोवाल का जवाब से मीटिंग विचारांगे, नाल दी नाल असी दरबारे खालसा वालों स्टैंड लिया, असी कहा जे तुसीं खाली नहीं कराउंदे फिर असी कोई कार्रवाई करांगे, तां इन्हां ने मजबूरन बस किया। बाकी इन्हां दा तां लम्मा चिट्ठा है जी। मैं आप जी के माध्यम राही एक बार फिर बीबी जंगीर कौर नूं गुरु दे उत्ते भरोसा रख के, मेरी कोई औकात नहीं साडी, असी दरबारे खालसा वालों ये चैलेंज करते हैं कि असी सवाल तुहानूं पुछे सी, होर भी तुहाडा पिछों तो असी फरोलांगे पोतड़े तुहाडे, जिन्ना तुसी गंद पाया, जिन्नियां तुसी गदारियां कीतियां, जिहड़े बंदे बेअदबी दे वक्त लड़ाई लड़न वाले ने उन्हां ते केस पाए गए। असी उत्थे पाठ कर रहे हैं बैठे 14 अक्तूबर नूं, मेरे ते हरजीत सिंह ढपाली ते किन्ने साडे प्रचारकां ते आम बंदिआं ते हरविंदर सिंह खड़ा है, साडे ते इरादा कतल दे परचे सुखवीर ने पाए, इरादा कतल ते हत्थां च जिन्हां दे गुटके ने, जिन्हां दे कुरबानी आ उन्हां ते इरादा कतल दे परचे, ते पुलिस इन्हां दी हो गई अणपछाती। और फिर साडे सानू मानसिक तौर ते टॉर्चर करन दे लई, डिस्टर्ब करन लई घरां च छापे मारे गए। मेरे कोल उस वक्त दीआं सारीआं न्यूज़ां सब कुछ मैं सांभ के रखिआ। आ उस वक्त मेरे पिता जी नूं बिना किसी कारण तो साढ़े घर आके छापा मारिया, सुखवीर कहें पुलिस ने मरवाया, मार के छापा, कहें कित्थे आ तुहाडा मुंडा, तो वह कहें जी उहदा घर है नहीं अज्ज, तो उस वक्त मैं आ लगी सीगी, तो उस वक्त मेरे पिता जी नूं चुक के उन्हां नूं काले पीड़िए की प्रॉब्लम सी, थोड़ी जी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, उन्हां नूं जा जेल च सुटता, कसूर की सी? सुखवीर जवाब देगा, आ बीबी जंगीर कौर जो मूँह च आया बोली जाती है। लोग तो मैं परसनल नहीं जाना चाहता, लोग तो सवाल करते हैं कि तुसी रोमां की बेअदबी की। बीबी जंगीर कौर जी, तुसी उम्र के लिहाज नाल मेरी माँ तो भी उपर हो, माँ तो उम्र के वड्डे हो, मैं इस पक्षों सत्कार करदा, पर तुहाडियां मुच्छां दे उत्ते पूरा पंथ सवाल कर रहा है।